27 मार्च 2021 शाम के करीब 5 बजे मुस्कान स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी। घर जाने वाले रास्ते में कुछ दुकानें पड़ती है। मुस्कान एक दुकान पर चली जाती है और वहां पर वो 10 रुपए वाला कुरकुरा खरीदती है। और जब वो कुरकुरा खरीदती है तो पास में कुछ लोग होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी की मौत हुई है अभी अभी। तो मुस्कान उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो फिर वहाँ से अपने घर के लिए चले जाती है। और जब मुस्कान अपने घर पहुँचती है तो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाती है। मुस्कान ऐसा क्या देखती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। मुस्कान जब अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर वो देखती है कि उसकी चाची चारपाई पर लेटी हुई है और उसके पास उसकी मम्मी, उसके दादा और उसकी दादी और कुछ गांव के लोग रो रहे हैं क्योंकि उसकी चाची की डेथ हो गई। और ये सब देखकर मुस्कान बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। और कुछ ही देर में वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनकी जो चाची है उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उनकी जांच करते हैं तो डॉक्टर बता देते हैं कि उनकी डेथ हो गई। और मैं आप लोगों को बता दूं, उनकी चाची की उम्र अभी 24 साल ही है और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। जब उनकी डेथ हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। और डॉक्टर ने जब उनका पोस्टमार्टम किया तब उन्होंने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। और हार्ट अटैक उनको इसीलिए आया है क्योंकि उनकी जो नसें है ना वो जाम हो गई थी, उसमें ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा था। तो और एक ही जगह ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, मतलब एक ही जगह खून जम गया था जिसकी वजह से उनका जो दिल है ना वो धड़कना बंद हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और मुस्कान का कहना ये है कि जो उनकी चाची थी वो बहुत सारी स्लेट पेंसिल खाती थी, वो मुस्कान को दुकान पर भेजती थी और वहाँ से वो स्लेट पेंसिल का पैकेट मंगाती थी और बाद में उसको खा जाती थी। ये बात सिर्फ मुस्कान को ही पता थी कि वो बहुत सारा स्लेट पेंसिल खाती थी। और मुस्कान को उन्होंने ये बताया था कि वो पिछले 2 साल से स्लेट पेंसिल खाती है और बीच में उनको इससे प्रॉब्लम भी हो गई थी, उनकी जो किडनी है वहाँ पर स्टोन हो गया था जिसकी वजह से उनको किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ा और वो स्टोन बाहर निकालना पड़ा, लेकिन वो फिर भी इसके बाद स्लेट पेंसिल खाती थी और अभी तक वो खाती थी। और मुस्कान को लगता है कि जो स्लेट पेंसिल है इसको खाने की वजह से ही इनकी चाची की डेथ हुई, क्योंकि इनकी चाची अभी बहुत ही यंग थी और उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वो दिखने में भी अच्छी थी, ना ही वो ज़्यादा पतले थे, ना ही ज़्यादा कमज़ोर थे और ना ही वो ज़्यादा मोटे थे। और इनको लगता है कि जो ये स्लेट पेंसिल है ये उनके शरीर में जम गया था, उनकी नलियों में जम गया था और जिसमें ब्लड फ्लो होता है उनमें जम गया था, जिसकी वजह से उनका ब्लड है जो अचानक से रुक गया और जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से ही इनकी मौत हुई। और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे लगता है कि ये बात सच हो सकती है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जब आप लोग स्लेट पेंसिल खाते हो तो ये आपके पेट में भी जमती है और जब ये आपके शरीर में अब्सॉर्ब होने लग जाती है तो ये ऐसे के ऐसे ही आपकी जो नलियाँ है, आपकी जो भी नसें हैं उसमें चले जाती है, जिसमें होता क्या है कि ये धीरे धीरे वहाँ पर जमने लग जाती है और फिर वहाँ पर ये एक जगह जम जाती है, जिससे होता ये है कि जो आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है वो अचानक से रुक जाता है और वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, जिससे आपके जो दिल है ना वो धड़कना बंद हो जाता है, आपका खून और जगह जाना बंद हो जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आता है और जिससे मौत हो जाती है। तो मेरा कहना बस यही है कि ऐसा हो सकता है कि उनकी मौत स्लेट पेंसिल खाने की वजह से ही हुई है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैंने फैक्ट्स के तौर पर ही अपना ओपिनियन दिया है और मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसकी सच्चाई क्या है वो डॉक्टर्स को ही पता हो सकती है। तो मेरा कहना आप लोगों के लिए बस यही है कि अगर आप स्लेट पेंसिल खाते हो और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपको 1 साल हो गई है, 2 साल या 3 साल खाते खाते हो गई है और आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये खाना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये अंदर जमता रहेगा जिससे ये बाद में बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है। ये इन्फेक्शन कर सकता है, आपकी किडनी ख़राब कर सकता है, लीवर ख़राब कर सकता है और किडनी फेल कर सकता है, लीवर फेल कर सकता है, आपके शरीर में ये ऐसे कैसे जम सकता है जिससे आपको बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको खाना आज से ही छोड़ दो अगर आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी
लगी है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और नीचे इस चैनल को अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। आपके लिए ऐसी और भी अच्छी वीडियोज, इंफॉर्मेटिव वीडियोज, अच्छी स्टोरीज और बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज इस चैनल पर आती रहेगी, तो इस चैनल को अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो, अभी सब्सक्राइब करके रख दो। और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्लेट पेंसिल खाने की वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नया जान सकते हो।